हे, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आर्ट सिर्फ कुछ टैलेंटेड लोगों के लिए बना है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो सीरीज देखने के बाद शायद आपको ऐसा ना लगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अजय वर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी बाय यूजिंग सिंपल शेप। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ड्रॉ करना एक पपाया, तो आप में से बहुत से लोग इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बट क्या हो अगर आप इसको सिंपल शेप्स में डिवाइड करके ड्रॉ करते हो तो एक काफ़ी एक्यूरेट और इजी तरीके से ड्रॉ हो। ओके, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ एंड इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को कैसे ड्रॉ कर सकते हो इजीली शेप्स का इस्तेमाल करके। बट उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? आर्ट इज नॉट अबाउट ड्रॉइंग, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू सी। यहाँ पे मतलब क्या बनता है, पहले आपको ये सीखना होगा कि आपको देखना कैसे, चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करें। तो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक बर्ड की पिक्चर। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, इसको देखो एंड फिर पूछो अपने आप से कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी शेप है जो आप इसमें पहले नोटिस करोगे, कौन सी ऐसी शेप है जो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट शेप है, कौन सा इसका कलर है, बैकग्राउंड कैसा है। एंड इन सब सवालों को पूछने के बाद आप इसको ड्रॉ करना शुरू करो। तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ एंड मैं इसको कैसे देखता हूँ अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ओवल से, जो कि इसकी बॉडी के लिए होगा एंड इसी बॉडी के साइज़ को मेज़र करते हुए हम इसका हेड ड्रॉ करेंगे और हेड इस ओवल का 1/3 पार्ट है। और इसको ड्रॉ करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, और एंगल हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वरना आपका हेड ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरी शेप है वो है एक ट्रायंगल, जो कि इसके विंग्स के लिए है। एंड सिमिलरली एक और ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है और इस टेल, और टेल को अगर आप नोटिस करो तो वो हाफ है बॉडी का। और इसी तरह से हमें इसके लेग्स को ड्रॉ करना है, जो कि सेंटर से हल्का से लेफ्ट की तरफ है। एंड कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम इसको अच्छे से रेंडर कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। एंड जब ऐसा करो आप तो आप फ्री होकर ड्रॉ करो, क्योंकि आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है एंड ऐसा करने से आप और अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा एंड तो एक और एग्जांपल देखते हैं एंड कोशिश करते हैं इस चीज़ को और अच्छे से समझने। तो यहाँ पे मैं एक फ्लावर पॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस फ्लावर पॉट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले डिसाइड करूँगा कि हमें कितना बड़ा इसको ड्रॉ करना है एंड उस हिसाब से मैं अपने पेज पे लाइंस मार्क कर लूँगा। एंड जो बॉटम हिस्सा है इसका वो थोड़ा सा बड़ा है इसके ऊपर वाले हिस्से से। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से एंड एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर वाले हिस्से के लिए। एंड नीचे वाले हिस्से के लिए मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा, जो कि इसका नेक होगा। एंड इसी तरह से बाकी सारी शेप्स जो है वो मैं ड्रॉ कर लूँगा एक एक करके। एंड इन शेप्स को ड्रॉ करते हुए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ड्रॉ करो तो आप कंपेयर करते रहो इसको अपनी पहले वाली शेप से, जिससे आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि आप कितना इसको बड़ा या छोटा ड्रॉ करना है। एंड जो भी आपको चेंजेस आपको लग रहे हैं कि आपको करने चाहिए इस ड्रॉइंग में, और इन कंस्ट्रक्शन लाइन्स को ड्रॉ करते वक्त आप एकदम फ्री ऑफ माइंड ड्रॉ करो, क्योंकि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये आपकी फाइनल ड्रॉइंग नहीं है। एंड चेंजेस जो है वो आप लगातार करते रहिए। एंड इसी तरह से मैं बॉटम हिस्से के लिए डायमंड शेप ड्रॉ करूँगा, और डायमंड शेप के नीचे मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ। ये सब ड्रॉ करने के बाद आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं इसकी, फाइनल आउटलाइंस। एंड फाइनल जब आप ड्रॉ करो तब भी आप चेंजेस करते रहो, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। एंड जो आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से चेंजेस करते रहिए। एंड जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपनी ड्राइंग से, तब तक आप चेंजेस करते रहिए एंड क्वेश्चन पूछते रहिए कि ये सही है या नहीं है, ये शेप छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बनी ड्रॉ कर रहा हूँ एंड फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा एक ओवल से एंड इस ओवल को देखते हुए मैं इसका हेड जो है उसको मेज़र करूँगा कि ये है ये हमारी बॉडी से कितना बड़ा है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करूँगा और इसके हेड के लिए। एंड सिमिलरली मैं बाकी शेप्स ड्रॉ कर लूँगा, एक रेक्टेंगल इसके लेग के लिए एंड एक और ओवल इसके दूसरे लेग के लिए।
एंड सिमिलरली मैं ऊपर ईयर्स के लिए ड्रॉ करूँगा दो ट्रेपेजियम, और ये जो ईयर्स के लिए मैं जो शेप्स ड्रॉ करी है वो मैंने हेड से मेजर करी है कि हेड से कितना बड़ा हो सकता है। इसी तरह से सारी शेप्स को ड्रॉ करने के बाद हम इसको दोबारा से आउटलाइन करेंगे अच्छे से। एंड जब भी आप आउटलाइन करो तो मैंने बताया ना कि आप आराम से ऑब्जर्व करो अपनी पिक्चर को एंड फिर उसके हिसाब से ड्रॉ। तो काफ़ी कुछ ड्रॉ करने के बाद मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। बट स्टिल अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि अजय हमें ड्रॉ करना तो आ गया पर हमें शेडिंग और मटेरियल्स कौन से चाहिए ड्रॉइंग करने के लिए, ये तो हमें पता ही नहीं। तो शेडिंग और ड्रॉइंग वाली वीडियो के लिए आप लेफ्ट साइड क्लिक करें एंड वो वीडियो ज़रूर देखें।